हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बीएससी, बीए, एमएससी, एमकॉम आदि के स्कॉलरशिप रिन्यूअल करने के लिए बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है स्टूडेंट पे, इसके बाद में रिन्यूअल पे लॉगिन करना है, इसके बाद में आ जाना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पे पासवर्ड, और इसके बाद में कैप्चा फिल करना है, इसके बाद में आप लोगों को इंटर दबाना है। ओके, तो मैं अपना पासवर्ड वगैरह फिल कर लेता हूँ। अब ये सब मैंने पासवर्ड वगैरह फिल कर लिया है, अब सबमिट पे क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, मेरा फुल एंड फाइनल कंप्लीट है, मैंने सबमिट कर दिया है, मेरा संस्थान में भी जमा हो गया है। तो आप लोगों को दोस्तों मैं रिन्यूअल करना बता रहा हूँ, कैसे आप लोगों को रिन्यूअल करना है और क्या क्या फिल करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने प्रिंट से बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो फॉर्म है जो लॉक हो चुका है, तो मैं अपना खोल के दिखा नहीं सकता हूँ, उसमें संशोधन तो करके दिखा नहीं सकता हूँ, तो फॉर्म ही आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा फॉर्म है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं फिल करना है। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, बीएससी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले के लिए समस्या आ रही है कि उसमें मैं यहाँ से देखिए शैक्षणिक विवरण, और ऊपर आपको कुछ नहीं चेंज करना है। ओके, यहाँ से शैक्षणिक विवरण से यहाँ पे देखिए, ये भी ऐसे ही रहेगा, और पाठ्यक्रम का ब्रांच ये भी सब, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये भी सब ऐसे रहेगा, और ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए मेरा बीएससी एग्रीकल्चर से 4 ईयर का, और मैं सेकंड ईयर में हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर कहें तो यहाँ फर्स्ट ईयर होगा, थर्ड ईयर कहेंगे थर्ड ईयर होगा, थर्ड अपन फोर्थ। ओके, इसमें आप लोगों को कुछ फिल नहीं करना है। फिर इसके बाद में ये तो सब ऐसे रहेगा, इसमें भी छोड़ देना है, ये तो मतलब ऑटो फिल है पहले का है। और ये प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, ठीक है, तो पिछले साल का मेरा रिकॉर्ड है, तो इसमें वर्तमान में प्रवेश प्रवेश की तिथि आप लोग, ये वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ये फिल करना पड़ेगा। तो इसमें आप जो फीस जमा किए होंगे उस रसीद पे डेट पड़ी होगी, वही डेट डाल सकते हैं, या फिर इस डेट से है जो 10-5 दिन आगे पीछे डाल सकते हैं। देख लीजिएगा कि संडे ना हो उस दिन, बस ये आप लोगों को देखना रहेगा। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलेटिंग एजेंसी में पंजीयन क्रमांक, ये आपका, आप बीएससी सेकंड ईयर में होंगे तभी आप लोगों को मिलेगा, उस पर बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें आपका लिखा रहता है, ठीक है, वहाँ से आप लोगों को ये डालना पड़ेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये डेट, ये आप लोगों को चेंज करना रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का है, फर्स्ट ईयर का है, थर्ड सेमेस्टर का है, तो इसमें आप लोगों को नई डेट डालनी पड़ेगी और ये एफिलेटिंग पंजीयन क्रमांक डालना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी का नाम लखनऊ, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, मैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो इसलिए मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी क्लिक किया है। इसके बाद में आप लोगों को क्या चेंज करना रहेगा, आगे फिर आपको चेंज करना रहेगा निजी विवरण में, कुछ नहीं चेंज करना है इसमें। अगर आपके पास हो तो राशन कार्ड नंबर है जो ये फिल किया है, इसको आप डाल सकते हैं, अनिवार्य नहीं, मैंडेटरी नहीं है, अगर हो तो फिल कर दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं।
उसके बाद में आप लोग अजात निवास के लिए जो परेशान होते हैं, ये आपका वही रहेगा, पुराना होगा फिर भी 4 साल के लिए मान्य है। इसमें आप लोगों को छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है ना। इसके लिए परेशान होना है, इसमें चेंज नहीं करना है आप लोगों को ये। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बैंक का विवरण ऑटोमेटिक ले लेगा, उसमें कोई कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ये आधार नंबर से धनराशि की भुगतान होगी, बैंक खाता नहीं मांगा गया, पहले का रिकॉर्ड है उसी से आपका आएगा अकाउंट में। फिर ये आपको शुल्क संबंधित फिल करना है, कितनी फीस है वो सब फिल कर देंगे। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, गत वर्ष का विवरण, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबसे, गत वर्ष का विवरण। इसी में बच्चे दोस्त सारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें क्या फिल करना रहेगा। देखिए गत वर्ष का परीक्षा फल, यहाँ पे आप लोगों को पास लिखना है, ठीक है। और गत वर्ष का परीक्षा प्रणाली, अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर चूज करना है आप लोगों को, अगर वार्षिक है तो वार्षिक है। और इसके बाद में गत वर्ष अंक प्रणाली, इसमें आप लोगों को सीजीपीए ही फिल करना है, एसजीपीए नहीं फिल करना है, क्योंकि एसजीपीए जो प्रणाली होती है वो 6 महीने की होती है, वो सेमेस्टर सेमेस्टर का रिजल्ट होता है, उसे हम एसजीपीए प्रणाली कहते हैं। और सीजीपीए होता है जो 6 6 महीने के 2 सेमेस्टर होते हैं उनको ऐड करके जो बनता है, उसको सीजीपीए प्रणाली कहते हैं। इसीलिए आप लोगों को गत वर्ष अंक प्रणाली में सीजीपीए ही फिल करना है। गत वर्ष का पूर्णांक है, इसी में सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें क्या फिल करना रहेगा, 9.5 रहेगा या 10 पॉइंट रहेगा, 0 0 क्या फिल करना रहेगा। तो इसमें सबसे हाईएस्ट मार्क है इसका जो 10 है, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर आप 10 ला सकते हैं। तो 9.5 जो ले रहे हैं बच्चे लिख रहे हैं उनका तो मोस्टली गलत ही है, क्योंकि 10 हाईएस्ट मार्क है, तो 10 ही इसमें 10 ही आप लोगों को इसमें रखना है, ना कि 9.5। और इसके बाद में गत वर्ष का प्राप्तांक ऑटोमेटिक आ जाएगा जब, सॉरी, इसमें गत वर्ष का प्राप्तांक है जो, इसमें अगर आपको सीजीए प्रणाली में दिया है आपकी मार्कशीट पे, तो वहां से कुछ नहीं करना है आप लोगों को, डायरेक्ट सीजीपीए वाला ही यहाँ पे फिल कर देना है। और अगर नहीं दिया है आपका 6 मंथ के सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आई है अभी, तो इसमें एसजीए प्रणाली में दिया रहता है, तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर और प्लस सेकंड सेमेस्टर, इसको ऐड कर लेना है। एग्जाम्पल के थ्रू, अगर आपके 3 3 ग्रेड आए फर्स्ट सेमेस्टर में, प्लस 4 आए आपके सेकंड सेमेस्टर में, सॉरी 4 आए सेकंड सेमेस्टर में, तो टोटल आप लोगों को ऐड कर लेना है, तो हो जाएगा 7। और 7 जब आ जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि अगर आप थर्ड ईयर में चले गए हैं, सेकेंड ईयर में, सॉरी सेकेंड ईयर में गए हैं, तो आप ये, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आप लोगों को 2 सेमेस्टर से नीचे भाग करना, जितने सेमेस्टर हो गए हों और यहाँ पे जितने सेमेस्टर हो गए हैं वो सेमेस्टर ऐड करना है ऊपर उसका एसजीपीए, और नीचे जितने आप थर्ड ईयर में हैं तो यहाँ पे 4 नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड ईयर में गए हैं, जैसे हमारा सेकेंड ईयर में है तो मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो नीचे 4 से, अगर आप फोर्थ ईयर में हैं तो नीचे 6 से आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर हो गया 7 और नीचे आपको भाग देना है 2 से, क्योंकि मेरा 2 सेमेस्टर हो गया है।
तो इसके बाद में इसको भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा आपका 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 3.5 है जो ये आपका निकल के आ गया CGPA, CGPA। समझ गए, आपको ऐसे ही आपका CGPA निकालना है और इसमें किसी को SGPA नहीं भरना रहेगा, इसमें CGPA ही फिल करना है और गत वर्ष का पूर्णांक है इसमें आपको 10 ही फिल करना है, समझ गए। और गत वर्ष का प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाएगा जब इतना आप फिल करेंगे, यहाँ पे गत वर्ष का प्राप्तांक यहाँ आ जाएगा, शिक्षण संस्थान का नाम जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ का नाम डाल देना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आप जिस हिसाब से जो कैटेगरी आप फॉलो करते हो, जो से आपके घर में कच्चा अगर रूप छत वगैरह है तो इस पे टिक करना है, यहाँ पे लैंडलेस हाउस हाउस होल्ड ड्राइविंग ए मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम फॉर मैनुअली लेबर, अगर कुछ करते नहीं है तो इस पे आपको टिक करना रहेगा। और कोई एडल्ट विद नो एडल्ट मेल मेंबर बिटवीन 60 एंड 59, अगर आपके परिवार में कोई 16 साल से और 59 साल तक कोई मेल नहीं है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, इसे 3-4 ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आप लोगों को, देन उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। और ये आपका सबमिट करने के बाद में आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, चेक करने के बाद में आप अपने कॉलेज में दिखा लीजिएगा सही है तो इसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा और लॉक हो जाएगा। उसके बाद में आपको कॉलेज में जमा करना रहेगा इस इन सब चीज़ों के साथ में, यहाँ पे दिया वगैरह है, स्कूल अंक प्रमाण पत्र है, पिछला विवरण है, ये सभी वगैरह सब चीज़। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।